गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी बाइक जैसे आप देख सकते हैं स्प्लेंडर के अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं रूट्स मेगासोनिक हॉर्न। सो ज़्यादा टाइम में लगाते हैं हम लोग कर देते हैं इसको इंस्टॉल। सो गाइस इंस्टॉल करते टाइम हमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है एक्सेप्ट पाना एंड चाबी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। आइए एक बार। सो दीज आर अपने मेगासोनिक हॉर्न एंड ये है अपना एक थ्री वे वाला स्विच, क्योंकि मैं दोनों ही हॉर्न अपने स्टैंड बाय रखने वाला हूँ, ठीक है। एंड ये है अपने रूट्स के लिए साइड वाली पत्ती, ये एक्चुअली बनवाई जाती है, ठीक है। तो ये मैंने अलग से बनवाई है। और ये स्प्रे भी अपना इसी के लिए है, मैं इनको ब्लैक करने वाला हूँ। एंड ये अपना वायर, ये 1.5 mm का मैंने यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, आप चाहे तो 1 mm भी यूज़ कर सकते हैं। ये अपने 10 हॉर्न थिम्बल्स और ये अपना है रिले। सो गाइस हॉर्न की जो अपनी ये पत्ती है ये इस साइड लगने वाली है, ये जो है अपना 12 नंबर का बोल्ट है, ठीक है। फटाफट हम लोग दोनों साइड इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। सो गाइस लगने के बाद कुछ इस टाइप का अपना लुक आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं मैंने इधर का हॉर्न अपना फिट कर दिया बढ़िया करके। अब आती है इसके दूसरे साइड की बात, तो आप लोग देखने। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी फ़िलहाल अभी इसका पत्ती ही फिट किया है। अब मैं इधर का भी हॉर्न लगाने वाला हूँ। ये मैंने अभी हॉर्न इसलिए नहीं फिट किया, मैंने कहा एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं किस टाइप का अपना लगने वाला है, ये अपना सेकेंड वाला। अब बात आती है इसकी वायरिंग की। वायरिंग के लिए मैं रिले वगैरह कनेक्शंस मैंने कम से कम पता नहीं कितनी बार समझाए होंगे, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादातर वायरिंग वगैरह मैं दिखाने वाला नहीं हूँ आपको, एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइस इन हॉर्न को लगाने में इतना टाइम मेन इसलिए लगा है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैंने जो अपनी रिले है हॉर्न की ये इधर फिक्स की है। एंड ये है अपना 3A वाला स्विच। एंड फिलहाल मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने सभी हॉर्न के वायर जो है ग्राउंड किए हैं, आप लोग इधर देख सकते हैं। दूसरा ऐसे मैंने उस साइड किया हुआ है एंड ऐसे ही मैंने अपने तीसरे छोटे हॉर्न का किया हुआ है हॉर्न वायर। अब बात आती है इनको मैं पॉजिटिव करंट कहाँ से दूंगा, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो मेरा स्विच है मैं इसके रिगार्डिंग इसको पॉजिटिव करंट दूंगा, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बड़े वाले हॉर्न के दोनों वायर कलेक्ट करके मैं इस साइड लगाऊंगा, इस साइड में लगाऊंगा अपने छोटे हॉर्न के। एंड ये जो अपना है ये रिले के थ्रू जो वायर आ रहा है वो वाला है, इससे आप अपने तीनों हॉर्न को स्टैंड में रख सकते हैं एक टाइम पे। बट एक देखिए इस साइड को करूंगा मैं तो दूसरा बजेगा एंड ये वाला करूंगा मैं तो छोटा बजेगा। गाइस इंस्टॉलेशन के बाद अब आती है बारी इनको चेक कराने की, तो मैं एक बार आपको उनकी साउंड सुना देता हूँ। सबसे पहले मैं बजाता हूँ सिंगल वाला हॉर्न, ये था अपना फ्रंट फर्स्ट हॉर्न। अब यहाँ से मैं स्विच से चेंज कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं